लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लगभग 5000 स्कूली बच्चों के साथ मिलकर निकाली पॉलिथीन मुक्त अभियान रैली। इस दौरान बुलंदशहर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने जनता को जागरूक किया और पॉलिथीन मुक्त कराने की अपील की। पॉलिथीन से अनेकों प्रकार की गंभीर बीमारियां फैलती हैं। आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में यह अभियान चलाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश को प्लास्टिक और पॉलिथीन से मुक्त कराना चाहते हैं। इसी के चलते जनपद बुलंदशहर में यह अभियान चलाया गया। अभियान में सिटी क्षेत्र के सभी स्कूलों बच्चों ने भाग लिया। एनसीसी कैडेट ने भी भाग लिया। रैली शहर के सभी मुख्य चौराहों पर निकाली गई। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मैम, क्या नाम है आपका? कौन से कॉलेज की टीचर हैं आप? जैसा कि आज ये पॉलिथीन मुक्त भारत बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, क्या पूरी बात है? क्या नाम बेटे आपका? कौन सी स्कूल की छात्रा है आप? आज जो प्लास्टिक अभियान चलाया जा रहा है, क्या पूरी बात है? जैसा कि अभियान चलाया जाए, इससे कुछ लोगों में जागरूकता पैदा होगी? बच्चों के साथ आपने एक रैली का आगाज किया है, सर किस तरह की रैली है और क्या ये अभियान है? देखिए, 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है। इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण भारत को सिंगल प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान की बात कही है। इसी के तहत आज 2 अक्टूबर से कुछ दिन पूर्व हमने वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी को साथ लेकर इस जो जनपद बुलंदशहर है उसमें जो बुलंदशहर मार्केट है उसके लगभग सभी दुकानों में पेपर से बनाया हुआ बैग दिया है और उनसे अपील की है कि आप कम से कम अपने बुलंदशहर को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए जूट और पेपर से बने हुए बैग का इस्तेमाल करें। इस संदर्भ में मेरा मानना है कि एक मुश्त उन्हें प्लास्टिक, जैसे कि लास्ट वीक में 225 किलो प्लास्टिक जब्त किए गए हैं और लगभग लाख रुपए का जुर्माना किया गया है, बट मेरा मानना है कि जुर्माने और जब्ती के साथ साथ उन्हें सहयोग भी दिया जाए। और सहयोग के लिए हमने हमारे जो जनपद के जेल हैं उसमें लगभग 2000 कैदी हैं जिनको कि कुछ काम नहीं है, तो हमने सोचा कि इसको प्रोडक्टिव वे में यूज किया जाए। जनपद में जितने भी न्यूज़पेपर्स आते हैं उसको इकट्ठा करके उन्हें वहाँ भेजा जा रहा है। वहाँ वो लोग उससे पेपर का थैला बनाते हैं और उसको हम सस्ते दर में जनपद के बाज़ार में दुकानों में सप्लाई करेंगे जो भी इच्छुक हैं, ताकि उन्हें सस्ते दर पर प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट मिले। और इस तरह से हम मुहिम चलाना चाहते हैं, चलाकर पूरे बुलंदशहर को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री करना चाहते हैं। तो लगभग कितने बच्चे थे, कितने स्कूलों के बच्चे थे जो आपके साथ अभी इस अभियान में शामिल थे? देखिए, आज हमारी कोशिश रही कि पूरे मार्केट को अवेयर किया जाए और मार्केट के साथ साथ विभिन्न स्कूलों के लगभग 3000 बच्चों को, जो कि एक लाइन में लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन थे, खड़े थे। मेरा यही मतलब एम नहीं था कि केवल जो मार्केट में दुकानदार हैं उनको अवेयर किया जाए, बच्चों के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं पूरे जनपद वासियों को अपील करता हूं कि राज्य सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है और यह पूरे मानव जाति के लिए अच्छा है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़कर जो बायोडिग्रेडेबल है, न्यूज़पेपर है, जूट है, उसकी थैली का, उससे जो फूड पैकेजिंग है, जो पानी के बॉटल्स हैं, स्ट्रॉ हैं, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको सिंगल यूज प्लास्टिक को रोककर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज करें। सर, रैली के आयोजन के दौरान एक छात्र की तबीयत खराब हो गई, उसको कोई एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा नहीं मिली, क्या कहना है?
देखिए, मैं तो अपने स्तर पे सारे छात्रों का उत्साहवर्धन किया जा रहा था, उनके लिए पीने के लिए रैली का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली बच्चे और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के उनकी मंशा के अनुरूप, शासन की मंशा के अनुरूप पॉलीथीन, जो सिंगल यूज पॉलीथीन है, उसको यूज से प्रयोग से ख़त्म करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के लोगों में जन जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि पॉलीथीन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हमारे साथ अन्य जीवों के लिए भी हानिकारक है, लोग पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दें, इसी जागरूकता को फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए आज एक रैली जिसमें स्कूल के बच्चे, व्यापार मंडल और जिला प्रशासन के अधिकारीगण और जिला जेल के अधिकारीगण ये शामिल है, और सारे लोगों को एक संदेश दिया गया कि पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दें। और सिंबॉलिक रूप से जो अखबार के पैकेट जो हमारे जिला जेल के कैदियों ने बनाया था, हर दुकान पर 10-10-20 कागज के थैले भी दिए गए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।